75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने महानगरवासियों को नगर निगम परिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हुए बताया कि महानगरवासियों के लिए जल्द ही मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सहित कर जमा करने के लिए जोनल कार्यालय शुरू हो जाएगा, तो वहीं जल जमाव की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नागरिकों की सुविधाओं के लिए नगर निगम परिवार सदैव तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, गोरखपुर नगर निगम के समस्त अभ्रांत नागरिकों को गोरखपुर नगर निगम परिवार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस मौके पर नगर निगम की तरफ से शहर के समस्त अभ्रांत नागरिकों को यह आश्वासन देना चाहूँगा, उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपको नगर निगम एक नए क्लेवर में दिखाई देगा। हमारी बेहतरीन सफाई व्यवस्था आपको लगेगी, कर प्रणाली मजबूत होगी, जो हमारे टैक्स हैं, जो हमारे आय से जुड़े हुए प्रमाण पत्र हैं या जो हमारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो सभी जो है एक स्मूथली आपको एक वर्किंग देखने को मिलेगी। और हम लोग एक प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ जो भी सीनियर सिटीजन आ रहे हैं उन्हें किसी के प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ज़्यादातर हमारी सेवाएँ ऑनलाइन भी हो रही हैं और जो यहाँ नगर निगम हमारे कार्यालय में आ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कतें ना का सामना करें, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। ये 15 अगस्त के बाद से हमारे जो 5 जोन में जो बांटा गया है नगर निगम को, इसमें से 3 जोन के जो कार्यालय हैं उन्हीं जोन के जो मुख्य क्षेत्र है वहीं से वो फंक्शन में आ जाएंगे। वहाँ पर वहाँ के जोनल ऑफिसर जो वहाँ के सफाई के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो और टैक्स के जो लोग सब लोग वहीं बैठने लगेंगे। इससे पब्लिक को बहुत दूर यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा, 10-12 किलोमीटर का सफ़र नहीं तय करना पड़ेगा, उनको वहीं मौके पर ही अपनी जो समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी ऊपर से लेकर नीचे तक, वो आम जनमानस की जितनी भी प्रकार की समस्याएं हों उनके प्रति उनकी जवाबदेही तय की जाए। जो भी उनके पास समस्या हो उसको त्वरित एवं प्रभावकारी निस्तारण हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि आने वाले समय में हैदराबाद के एक फर्म के द्वारा जो है पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में और विशेषकर नगर निगम क्षेत्र का ड्रेनेज प्लान तैयार किया जा रहा है। अब वो पूरी अभी फर्म यहाँ पे आई थी और हम लोगों ने स्पेशली उससे ये कहा था कि जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है उस जगह पे वो मौके पे जाएं और मौके पे जाकर उसको एक व्यवहारिक रूप में किस प्रकार क्यों पानी लग रहा है इसका वो निरीक्षण करें और उसको जो समस्याएँ आ रही हैं या फिर जो अन्य लोग वहाँ पर जो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं उसका निदान ढूंढते हुए उसको इन बिंदुओं को अपने DPR में शामिल करें और जब संशोधित DPR हम लोग के सामने रखें और उस फिर जो संशोधित DPR रखेंगे उसको फिर हमारे सदन में रखा जाएगा, जिसमें सभी नगर निगम के जितने भी हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं उनका उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया जाएगा और जब उससे उनकी भी जो क्वेरीज होगी उसका भी जब समाधान हो जाएगा तब फाइनली इस DPR को अप्रूव किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के समय में हमारा जो एक एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है और एक कॉन्टिनेंटल इंजन्स नाम की जो कंपनी है उसको यहाँ के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का काम दिया जा चुका है और उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट तक हमारे 11 जो जंक्शन है, टोटल 21 जंक्शन में से 11 जंक्शन जो है पूरी तरह से ई चालान की व्यवस्था से लैस होंगे, कोई उसमें जो स्पीड के जो मीटर है वो लगे होंगे और अन्य सुविधाएं होंगी, जिससे कि निश्चित रूप से जो गोरखपुर में एक ट्रैफिक की जो इस वक्त थोड़ी सी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, आने वाले समय में बेटर मैनेजमेंट होगा ट्रैफिक का और जो काफ़ी देर लोगों को चौराहों पर खड़ा होना पड़ता है, जाम से जूझना पड़ता है, उससे उनको निजात मिलेगी।